लोकसभा चुनाव में नामांकन पत्र लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। बुधवार को जबलपुर के एक युवा निर्दलीय प्रत्याशी विनय चक्रवर्ती ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो चर्चा में आ गए। जी हां, विनय चक्रवर्ती लोकसभा चुनाव का फॉर्म लेने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव के फॉर्म को लेने के लिए 25,000 की चिल्लर जमा कराई। देखते ही देखते ये खबर वायरल हो गई। इस पर जबलपुर कलेक्टर ने कहा कि कुछ लोग नियम की आड़ में प्रशासनिक अधिकारियों को परेशान करते हैं, जबकि विनय चक्रवर्ती का कहना है कि वो ऑनलाइन पैसा जमा कराने के लिए गए थे, लेकिन चुनाव आयोग के पास ऑनलाइन पैसे लेने की व्यवस्था ही नहीं है, इसलिए उन्होंने चिल्लर ही जमा करवा दिए। जबलपुर के एलएलबी की पढ़ाई करने वाले विनय चक्रवर्ती ने जबलपुर लोकसभा से सांसद पद के लिए नामांकन पत्र खरीदा है। जब विनय चक्रवर्ती अपने मित्रों के साथ नामांकन पत्र खरीदने पहुंचे तो उन्हें नामांकन का कार्य कर रहे अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए उन्हें 25,000 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। ये राशि उन्हें कैश के रूप में जमा करवानी होगी। विनय चक्रवर्ती ने अधिकारियों से ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन के लिए पूछा, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि यहां ऐसी कोई सुविधा नहीं है। विनय चक्रवर्ती को उस समय कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने अपने दोस्तों को फोन लगाया। कुछ छोटे दुकानदार जो उन्हें समर्थन दे रहे थे, उन लोगों ने कहा कि आप चिंता ना करें, हम पैसों का बंदोबस्त करते हैं। फिर थोड़ी ही देर में वो ढेर सारे चिल्लर लेकर वहां पहुंच गए। विनय चक्रवर्ती ने फिर 25,000 रुपए जमा करवाए, लेकिन चिल्लर के रूप में। सभी सिक्के 10 रुपए के थे, जिनको गिनने में निर्वाचन पदाधिकारी को 3 घंटे लग गए। विनय चक्रवर्ती का कहना है कि उनकी कोई मनसा किसी को परेशान करने की नहीं थी, लेकिन उनके पास में उस समय जो कैश उपलब्ध हो पाया उसे उसी तरीके से उन्हें जमा किया। इस मुद्दे पर जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना का कहना है कि पैसा किस मुद्रा में दिया जा रहा है ये जरूरी नहीं है, लेकिन नियम पैसे को कैश में लेने का ही है, इसलिए पैसे कैश ही लिए गए। हालांकि उन्होंने इस बात पर तंज कसते हुए कहा कि कई बार ऐसे लोग आते हैं जो प्रशासनिक लोगों को परेशान करना चाहते हैं।